कोन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने ही कर्म हमको दंड देते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। और ये पक्का विश्वास समझ लो कि एक कट वचन भी कोई हमें व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अगर कट वचन बोल रहा है तो मुझे सुनना चाहिए, मेरे मन को ठीक करने के लिए जरूरत है उस कट वचन की, उस तिरस्कार की, उस अपमान की, उस विपत्ति की, उस दुख की, यदि अध्यात्म में चलते हो तो। और लोक में तो जेल भरी है इसी बात की, तुमने एक गाली दी, उसने चार गाली दी, तुमने थप्पड़ मारा, उसने मार दिया, और जाके आजीवन सजा भोगी, ये इसी में जेल भरी हुई। अगर ज्ञान थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। हमारे दंड देने के लिए कोई निमित्त बनेगा। कभी कोई काल पे अंगुली नहीं उठाता, काल निमित्त बना देता है। वो ऑपरेशन बिगड़ गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसे नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे हैं।